पानी जब से केजरीवाल बना है जब से पानी गंदा ही आ रहा है उनकी नजरों में। हम गंदे नाले के कीड़े और हम इसी में हमें इसी में रख के राजी है। वो कभी तो नहीं आते, जब वोट का समय आता सबको ही आते हैं। गिर के एक आदमी भी खत्म हो गया, मिला भी नहीं वो आदमी। सुनेंगे ही ऐसा नेता एक दारू की बोतल और 500 रुपए पे तो उनको फिर वही सुविधा मिलेगी ना। कोई सही नहीं है भाई साहब, वहाँ घटिया है लोग, इनको तो वोट दे के गलती कर दिया हम लोगों ने। बस केजरीवाल जीरो, 12 घंटे में 2 घंटे पानी दिया जा रहा, वो भी नाली वाला। जनता का बेवकूफ बना रहा है, कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं मेरे साथ झलको दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में आज हम आए हैं वजीरपुर। वजीरपुर को आप सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में देखा जाता है, और इस एरिया की बात जो है, इस एरिया की जो चर्चा है ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश के इंडस्ट्रियल एरिया में की जाती है। लेकिन अगर किसी एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया जाएगा तो क्या वहाँ के लोगों का रहन सहन या वहाँ के लोगों की सुविधाएँ खत्म कर दी जाएगी? क्या बड़ी बड़ी कंपनियों और उद्योगों के चलते जो छोटे छोटे एरिया, जो छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां, उन्हें बिल्कुल जो है वो नजरअंदाज कर दिया जाएगा? पर यकीन मानिए, आज हम जब वजीरपुर में आए तो हमारा सांस लेना भी यहाँ पर दुश्वार हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारी एक ओर जहाँ कूड़े का कचरा फैला हुआ है तो वहीं दूसरी ओर यहाँ के लोगों को दिल्ली के 47-48 भीषण गर्मी के साथ सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, पानी पीने में भी किल्लत का सामना करने को मिल रहा है। आज हम यहाँ के तमाम लोगों से जानेंगे कि वजीरपुर में कौन सी समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं और उन पर नेताओं का कितना प्रभाव है। आइए सीधी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पूनम। मैम, हम देख रहे हैं चारों ओर जो है वजीरपुर एरिया एकदम निचले स्तर पर आ चुका है, कोई मदद नहीं की जा रही, क्या कहना चाहिए? कम से कम सफाई तो हो, इतना गंदा पानी आता है, 12 घंटे में 2 घंटे पानी दिया जा रहा, वो भी नाली वाला। नाली वाला पानी आ रहा है? नाली वाला एकदम पीला पानी, और इतनी बुरी बदबू आ रही है कि प्याज क्या जाए, मजबूरी में पीना पड़ता है, नहाने को भी पानी नहीं मिलता यहाँ पे, और पानी आता ही नहीं, आएगा और चला जाएगा 2 घंटे में। टैंकर भी नहीं आता? टैंकर आता, कितने आदमियों को पानी मिले, कोई भरता पानी और कोई नहीं भरता, टैंकर रोज आता है। हाँ जी। अच्छा, लेकिन पानी इतना कम होता है कि सब लोगों का गुजारा, और वो भी साफ पानी नहीं होता। क्या नाम है भैया आपका? जी महेंद्र कुमार। यहाँ रहते हैं आप? कब से रह रहे हो? जी जन्म यहीं से, यहीं से है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं सारी सुविधाओं का अभाव है, कोई भी मदद नहीं की जा रही है, शुरू से ही होता है? नहीं जी, इसका तो कोई सब ठीक ठाक है, अब आज कुछ हमारी भी गलतियां हैं, कूड़ा फैलते हैं तो कोई बाज थोड़ी ना आता है जो उठता है रोज। हमारे जो पानी नहीं आ रहा उसमें हमारी गलतियां हैं, हमारी कोई गलती नहीं है उसमें, पानी वीडियो वाले देंगे हमें, जब तो हम यूज करेंगे। आपका क्या नाम है? सोनिया देवी। सोनिया जी, चारों ओर गलगिया फैली हुई है, कोई सफाई नहीं की जा रही, कूड़े के कचरे जो है वो हर जगह हमें दिख रहे हैं, आते हैं यहाँ पर कर्मचारी? आते हैं तो थोड़ी बहुत सफाई कर जाते हैं, थोड़ा यही पूरा फैला रहता है, और पूरा गली में नाली का कूड़ा निकालेंगे, चार चार दिन निकाल के चले जाते हैं, अभी बच्चे निकलते, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे बच्चे, रोड पे भी आएंगे, यहाँ कूड़ा डाला, यहाँ डाला, बदबू मार रहा है, बच्चों को बीमारी हो रही, बुखार है, कहीं कुछ बीमारी हो जा रही है। और ये सरकार तो कह रही है हम बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, लोगों की मदद नहीं है, बिजली भी फ्री नहीं है, 2-3 हजार रुपए बिल आ रहा है भैया। 450 का बिल तो मेरे घर का है। तो यानी जो दावे के जा रहे हैं बिजली का बिल फ्री है, वो फ्री है? 5-5 हजार रुपए बिल, बिजली 5-5 हजार बिजली, इन झुग्गी झोपड़ियों में 5-5 हजार। हाँ भाई साहब, वो जा रहा है, मेरा खुद आया है, 450 का मेरा है, जनता का बेवकूफ बना रहा है, कुछ नहीं है। हर चुनाव में नेता आते हैं, दावे करते हैं, वो यानी सब फेल, ऐसा है जी, नेता कोई गलत नहीं है, गलत ये लोग जो वोट देते हैं उनको, सबसे बड़ी बात यही है, नेता गलत नहीं है, हम लोग जो भी चुनेंगे ही ऐसा नेता एक दारू की बोतल और 500 रुपए पे तो उनको फिर वही सुविधा मिलेगी ना, बताया ना मैंने, 500 रुपए की बोतल और 500 रुपए मिल गए, हाँ जी वोट आपकी, तो फिर ऐसे काम लो उनसे। भैया यहाँ पर सफाई वगैरह भी नहीं होती? बिल्कुल कुछ नहीं होता भैया, इधर पे कुछ नहीं होता, इधर यहाँ झुग्गियों में रहते हैं गंदे नाले के कीड़े, उनकी नजरों में हम गंदे नाले के कीड़े, और हमें इसी में रख के राजी है वो, और दोबारा पूछते। लेकिन आपको सर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तब वो आपकी कॉलोनियों में भी आए थे, जगह जगह गए थे, और उन्होंने कहा था कि आप सब हमारे भाई बहन हैं। हम खुद गए थे उनके साथ,
आप खुद उनके हम उनके से रैली में गए, उनके साथ भी गए, हमें लगा कि अच्छा आदमी अच्छा काम करेगा। ठीक, लेकिन 10 साल देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? बस केजरीवाल जीरो, केजरीवाल जीरो जीरो, यानी जिस विश्वास और उम्मीद के साथ आप उनके साथ गए थे। बिल्कुल गए थे, इनके रैली में गए, जिंदाबाद करा, सब कुछ करा, इनके और हर चीज में रैली में गए हम, या पूरे वजीरपुर में घूमे, बाहर भी गए, लेकिन हमें और खास तौर पर तो आप लोग जो है केजरीवाल के सपोर्ट में थे, क्योंकि महिलाएं जो है सबसे ज्यादा केजरीवाल को पसंद करती थी, क्या आज भी पसंद करते हैं आप? नहीं, आप तो जूतों के माला पहनाएंगे उसे, अगर आ तो जाए ना मेरे सामने चप्पल ही चप्पल बजाऊंगी, जब वोट लेनी थी तो हाथ जोड़ के पांव छू के आया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या किया उसने केजरीवाल ने, उल्टा दिल्ली को दबा के रख दिया उसने, मेरे सामने आ जाए ना मार दूं। पानी में जा रहा है, पानी में शहर आ रहा है, पानी में जा रहा, पीने लायक मुंह में नहीं है, नमकीन पानी बिल्कुल। मेरा तो पानी पी के तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा, हाँ कल ही तो दवाई लेके आया 100 रुपए की, 100 रुपए की दवाई। हाँ। पापा क्या करते हैं? पापा गांव में रहते हैं। पापा गांव में रहते हैं। हाँ। उसके बाद भी मतलब 100 रुपए जो है वो आपको दवाई में खर्चने पड़े। हाँ। इसके मम्मी भुट्टा बेच के गुजारा करती है, मकान लगाती है उसी में गुजारा, बच्चों का पेट पाल रही है, क्या दे रहा केजरीवाल? पहले राशन इतना मिलता था, अब क्या मिल रहा? कुछ नहीं, एक आदमी 5 किलो राशन खा लेगा महीने भर में, ये बताइए आप, पहले महीने भर में 5 किलो एक आदमी खा लेगा, बच्चे का भी पेट नहीं भरेगा उसमें। आप ये रहते हैं? आप तो काफी बुजुर्ग भी लग रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर मदद नहीं की जा रही नेताओं द्वारा, पेंशन आ रही है आपकी? नहीं, पेंशन भी नहीं आ रही। नहीं। और अगर बात करें फ्री की सुविधाओं की, पानी फ्री, बिजली फ्री, पानी अच्छा आ रहा है? पानी जब से केजरीवाल बना है जब से पानी गंदा ही आ रहा है। तो यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक है कहीं? नहीं, यहाँ इसी इलाके में कहीं नहीं, कहीं भी नहीं है। नहीं, यहाँ पर ना मोहल्ला क्लिनिक है, ना पानी अच्छा आ रहा है, ना सफाई हो रही है, उसके बाद भी आप रह रहे हैं, क्या करें? मजबूरी है, कहाँ जाएंगे, मजबूरी हमारी, अभी भी पाइप जोड़ रहा हूँ पानी के लिए, पानी नहीं आ रहा है, क्या करा जाएगा? बच्चों को ये थोड़ी है रोड पे भेज देंगे पानी भरने के लिए, गाड़ी घोड़ा चलता है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी वाला तो बताइए कि तुम्हारा बच्चा दौड़ रहा था, है? लेकिन हमें पता है ना कि हमारे बच्चे किस लिए दौड़ रहे हैं रोड पे, सुविधाओं के अभाव में, सुविधाओं के अभाव में। एक बात बताइए परवीन, इतनी समस्याएं इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में है, पूरे झुग्गी झोपड़ी हम देख रहे हैं, चारों तरफ समस्या समस्याएं, यहाँ के जो निगम पार्षद है या जो विधायक है वो कभी आते हैं? कभी तो नहीं आते, जब वोट का समय आता है सब कोई आते हैं। और क्या कहते हैं? तुम्हारे लिए सब सुविधा होगी, हर चीज होगा, हर चीज से पूरा होगा, बाद में कुछ नहीं होता है। ये सफाई देखो, ये देखिए पूरा, ये जो है कूड़ा का लैंडफिल बना दिया है। आखिर ये समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली सरकार ने यहाँ पर रहने वाले लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझा है, या अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्हें सबसे बड़ा वाद्य माना है। अगर वो वोट लेती है तो काम करना उनकी जिम्मेदारी है, पर वो अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाती है और यहाँ के तमाम लोगों को ऐसी गंदगी और पानी के अभाव में रहने को मिलता है। भैया भी कह रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा, लगातार गंदा पानी यहाँ पर दिया जा रहा है। हाँ, वो पानी तो कोई झुग्गी वाला नहीं पीता है, हर कोई अपना 10 रुपए का रोज पानी भरवाते हैं पीने के लिए फिल्टर का, क्योंकि वो पानी पीने से बच्चों को तकलीफ होती है, बीमारी बढ़ती है। कोई पानी नहीं, या तो टैंकर का पानी आता है वो यूज करते हैं, या फिर अपना खुद भरवा लेते हैं 10 रुपए का पानी, क्योंकि अब ये नालियों में बिल्कुल खुले पाइप है, नालियों में खुले पाइप है, अब बच्चों को अगर वो पानी पिलाएंगे बीमारी बढ़ेगी तो हमें ही नुकसान है उससे, इसलिए हम 10-20 रुपए का सकोस नहीं करते, अपना खुद फिल्टर का पानी भरवा के अपने बच्चों को पिलाते हैं। यानी आप अपने पैसे खर्च कर पानी पी रहे हैं? अपने पैसे खर्च करके पानी पी रहे हैं। सरकार कोई मदद नहीं, अलग अलग लोग अलग अलग समस्याएं बता रहे हैं। आप देख सकते हैं नाला भी जो है पूरा खुदा पड़ा है, इस नाले के अंदर गंदगियां हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नाली के सामने भैया जो है वो खाना भी बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें पाइपलाइंस बिछी हुई है पानी की, मैं आपको बता दूं पूरी पाइपलाइन बिछी हुई है, पानी नहीं आ रहा, सफाई की जो है वादे किए जाते हैं पर चारों ओर सफाई की कमी देखी जा सकती है। सामने ही होटल है जहां पर तमाम लोग खाना खाते हैं, गंदगी में खाना बन रहा है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। गंदगी है पूरा है यहाँ पे, और कुछ नहीं होता है, आते देख चल जाता है। ये चारों ओर नाले कूदे पड़े, बच्चे खेलते हैं, गिर जाते हैं बच्चे, गिर जाते हैं, डूब जाते हैं बच्चे,
बच्चे डूब जाते हैं। ऐसी घटनाएं घटी है, बहुत घटी है, बहुत बारिश में बच्चे गिरा है। बच्चे सारे मेरे गिरे नाली में, वहाँ से आते हैं वहाँ गिर जाते हैं। अच्छा, और ये तो मेरी 2 साल की लड़की थी, पहले गिरी थी इसमें, और फिर मेरे भाई के बच्चे हैं, सारे बच्चे इसी में गिरे हैं, सारे छोटे बच्चे सारे गिरे। गिर के एक आदमी भी खत्म हो गया, बारिश के मिला भी नहीं वो आदमी, और जब से ये नाला खुला हुआ भी है बंद भी नहीं किया। भैया हर गली में ऐसी समस्या है, हर गली में अपना सबका अपना अपना कनेक्शन जा रहा है। और कितने लोग रहते हैं गली में? करीबन करीबन कम से नहीं तो कम से कम 1500 लोग एक गली में हैं। 1500 लोग एक गली में, लोग अगर यहाँ से जोड़ा जाए सीधा मंदिर तक। नया कनेक्शन उल्टा सीधे कनेक्शन लगा रखा है अपने हाथ से लोगों ने, अब पानी बिल्कुल नहीं आता, जो आता है बिल्कुल गंदा आता है। पीता कोई नहीं है इस गली में, पीने का पानी तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है कई सालों से। तो केजरीवाल के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इतने बड़े बड़े वादे करते थे? केजरीवाल ये तो सब पॉलिटिक्स है, ये तो पॉलिटिक्स ही है और क्या है ये तो। जब 2013 में वो यहाँ पर आए थे और अभी मौजूदा उनके निगम पार्षद विधायक उन्हीं के सारे चोर है, सारे चोर है, ये तो चोर है, महाचोर है, इनके बारे में बात नहीं करना। ये बंदे सही नहीं है, कोई सही नहीं है भाई साहब, महा घटिया है लोग, इनको तो वोट देकर गलती कर दिया हम लोगों ने। ये देखिए तो हमारी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि लोग जो उन पर भरोसा जताते थे आज ये मान रहे हैं कि हमने उन्हें वोट देकर के गलती कर दी।